हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं लेके आ चुका हूँ आज एक नया वीडियो, कुछ नया टॉपिक। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, तो आप इस वीडियो को कर देना लाइक, और आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको यह घंटी दिखाई दे रही होगी, इस घंटी को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आपने अपने फ़ोन के अंदर थ्री फिंगर से कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ़ोन के अंदर थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट लेना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट लेते। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो अपने तीनों फिंगर होते हैं, तीनों उंगलियां, आपको सिंपली इसके ऊपर कुछ इस प्रकार स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में गाइस ये देख सकते हो, ये अपना थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट लेना हो गया। यहाँ पे थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट ले लिया है हमने। अब हम गैलरी के अंदर जाके देखते हैं कि थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट वास्तव में आया या नहीं। तो मैं गैलरी को ओपन कर लेता हूँ। आपके फ़ोन में जहाँ कहीं भी गैलरी हो तो उसे ढूंढ लेना। ढूंढने के बाद में गाइस ये देख सकते हो, मैंने एल्बम से ये देखो स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट ये देखो, ये मैंने जस्ट अभी ये देख सकते हो 10 जुलाई 10:27 PM पे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, और 10:28 अभी हो रहे हैं। तो आप कुछ इस प्रकार अपने फ़ोन के अंदर थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपने हमारा इस वीडियो को पूरा देखा होगा शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट लेते हैं। समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को कर देना लाइक, और आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, धन्यवाद, लव यू।